नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लीजिए हम आपकी बज्म में फिर हाजिर हैं ललिता पवार जी के कुछ और किस्से सुनने के लिए जमाने में एक अजब चलन था कि अदाकाराओं के असल नाम छिपाकर उन्हें एक नए नाम के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता था यहां तक कि हर नई फिल्म एक नया नाम कुछ ऐसा ही ललिता जी के साथ भी हुआ उस वक़्त तो नाम कुछ नहीं होता तो कुछ भी नाम देते थे सिर्फ नाम आता था प्रोड्यूसर का और बैनर का दो ही नाम आते थे और किसी का नाम नहीं होता था अगर होता भी था तो जो हमारा सही नाम होता था वो नहीं देते थे हर पिक्चर में दूसरा दूसरा नाम होता था उस वक़्त तो मेरे कई नाम सौ नाम हो गए होंगे मेरा सही नाम तो नहीं हुआ था नाम मेरा हुआ जब मैंने अपनी पिक्चर निकाली आ, मेरी पिक्चर थी रिजर्वशन दुनिया क्या है उसमें मैंने अपना नाम रखा ललिता पवार दरअसल ललिता जी की मुलाकात जब फिल्म नेक दोस्त के डायरेक्टर जीपी पवार से हुई तो शूटिंग के दरमियान ही दोनों के दिल धड़कने लगे और दोनों की शादी हो गई तब से नामों की इस भटकन से उबर कर हमेशा के लिए अंबिका लक्ष्मण सगुन से ललिता पवार हो गई हमेशा अहम किरदार करने वाली इस अदाकारा को कैरेक्टर रोल्स करने क्यों पड़े चंद्रों की एक पिक्चर में भगवान दादा को डायरेक्शन मिला तो भगवान ने कहा कि भाई तुम मेरे एक पिक्चर में काम करो तब मैं नेताजी पालकर भालजी पिंडारकर की पिक्चर थी मराठी वहाँ कोल्हापुर में थी तो ये लोग मुझे वहाँ लेने आए तो मैं यहाँ बॉम्बे में आई और उनका शूटिंग शुरू किया तो शूटिंग ऐसा था कि एक दो गांव की कहानी थी दो गांव की कहानी में एक मुखिया ने सोचा कि ये दूसरा मुखिया जो है इसकी लड़की उठा कर लाओ तो इसका नाक नीचे हो जाएगा तो सीन ऐसा था कि मुखिया की लड़की और कुछ लड़कियां तालाब में नहा रही थी वो लोग दोनों कॉमेडियन एंड हीरो उधर आए और तालाब के किनारे खड़े हो गए तो मुझे मैंने देखा मुझे मैं मुखिया की लड़की थी मैंने देखा मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो देखते नहीं लड़कियाँ नहा रही हैं तो कहते हैं हम तो यहीं खड़े होंगे तो मैं बाहर निकल के आती हूँ तो वो एक थप्पड़ मारता थप्पड़ मारता तो मैं गिर जाती हूँ गिर जाती हूँ और वो उठा के ले जाते ऐसा सीन था तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा मैं गिर गई और वो उठा के लेकर गए लेकिन मैं बेहोश वाकई में बेहोश हो गई और कान में से खून निकलने लगा और तो दूसरे दिन मुझे पैरालिसिस हो गया तो हम बॉम्बे आ गए बॉम्बे जब आ गए तो चंद्रा कदम का मुझे एक नोटिस मिला कि आप बीमार हो गई हैं हमारा शूटिंग रुका हुआ है हम दूसरे लड़के लेके काम करते हैं तो ये सब पेपरों में आ गया और ये पेपर में आने के बाद मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गए और मैं तीन साल दो साल तक बीमार रही एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट था हंस कंपनी का अमृत तो उनको उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया उन्होंने कहा कि अगर आपकी तकलीफ़ है तो हम दूसरी पिक्चर शुरू कर देते हैं बाद में आपकी लेंगे तो वो बाद में आपके कंप आपकी पिक्चर लेंगे तो उन्होंने बीच में ब्रांडी की बाटली पिक्चर शुरू कर दी और ढाई साल बाद में अच्छी हुई तो अमृत पहले काम शुरू किया वो पिक्चर मेरे लिए उन्होंने कैंसिल नहीं की कि ये करेंगी तो ललिता भाई करेंगी ना तो पिक्चर निकलेगी नहीं तो दो ढाई साल वो मेरे लिए ठहरे और जो पिक्चर शुरू हुई वो अमृत शुरू हुई उसके विनायक राव विनायक राव डायरेक्टर थे तो वो पिक्चर अमृत निकली उसके बाद मुझे फिर पिक्चरें सब मिलने लग गई और मैं लेकिन हीरोइन की पिक्चरें ज़्यादा नहीं मिली मुझे मुझे मिली कैरेक्टर रोल और अब तक मैं कैरेक्टर रोल ही कर रही हूँ सब स्कूली तालीम से कभी इनका साबका नहीं पड़ा लेकिन जिंदगी के मदरसे से इन्होंने जो तालीम और तरबियत पाई वो काबिल तारीफ थी जिसकी वजह से हमेशा उनमें एक नया जोश बरकरार रहा और हमेशा वो अव्वल आती रही चाहे जिंदगी की दौड़ हो या फिल्म सफर शांताराम जी के वहाँ ऐसा था शांताराम जी का काम लेने का स्टाइल और सब आर्टिस्ट ने आके बैठना सेट के ऊपर मैं कभी रूम में नहीं बैठती सेट पे बैठती हूँ हमेशा क्यों कि जैसा मेरा शॉट है मैंने अभी यहाँ बैठे हैं कुछ कुछ लोग यहाँ बैठे वो बातें कर रहे हैं और मुझसे कुछ पूछ रहे कुछ मैं उनको बोल रही हूँ अगर मैं मेरी नज़र यहाँ है और उन्होंने कुछ बोला है तो उनकी नज़र कहाँ थी क्या बोला किस तरह बोला किस टोन में बोला मॉडलेशन क्या था ये हम मैं सेट के ऊपर बैठ कर के देखती हूँ मुझे आदत है मुझे अच्छा लगता है तो मैं हमेशा सेट पर बैठती हूँ ऐसे ही एक मरतबा शांताराम जी के वहाँ मुन्नस नाम की एक औरत थी वो मेरे का काम किया था और आ, मैंने अभी आपको एक बताया कि अब आए हो जब माँ बहन पुनवा चुके हो वो वो सीन का नेक्स्ट डे सीन था उसकी कंटिन्यूटी नहीं और शांताराम जी के वहाँ हजारों आदमी हैं वहाँ सब देखने के लिए लेकिन वो दिन वो कंटिन्यूटी किसी ने देखी नहीं दूसरे दिन वो औरत आई थी दूसरी तरह तरह की साड़ी थी वो चेक्स की साड़ी नहीं थी तो जब आ, मैंने कहा कि भाई ये साड़ी नहीं थी मुन्नस की कुछ और था पहने हुए कुछ और साड़ी थी चेक्स की साड़ी थी तो मेरी बात किसी ने मानी नहीं तो शॉर्ट हो गया शॉर्ट हो गया तो मैंने कहा कि ये शॉर्ट फिर से लेना पड़ेगा तो शांताराम जी को ऐसी कोई बात बोल दे कोई वो कभी पसंद नहीं करेंगे क्यों क्योंकि उनका सब बातों पर ध्यान रहता था लेकिन थोड़ा सा दूसरे के ऊपर डालने से यह गलती शायद हो गई थी उनसे तो मैंने कहा शॉट फिर से लेना पड़ेगा तो बोले उन्होंने मराठी में पूछा कहा मन मुन्नस हे पात नौत ते कशा वो मी मटल के तो शॉर्ट के ना कि अब आए हो जो माँ बहन पुनवा चुके तो उसमें ये साड़ी नहीं थी तो उसने प्रभात को बुलाया इसको बुलाया उसको बुलाया तो मुझे उन्होंने पूछा कि ललिता भाई तुमको कैसे मालूम कि ये साड़ी ये साड़ी नहीं थी वो साड़ी थी और आज ऐसा है तुमको कैसे मालूम तुम कैसे यहाँ लास्ट शॉट तक बैठी थी मैंने कहा नहीं ये सीन वही है बैठने का कुछ नहीं है लेकिन मैं जब तक शूटिंग पैकअप नहीं होता मैं कभी जाती नहीं हूँ ये आपको मालूम है तो उन्होंने कहा हज गुनेस गुने एक मरतबा ऐसे हुआ कि पैकअप हो गया मेरा और मैं गई नहीं बैठी रही मेरी आदत के मुताबिक मैं जब लास्ट शॉट तो आना लाइटिंग बताते हैं और चले जाते उसके बाद मैं जाती हूँ अपने को मालूम भी होता है कि अपना शॉट कितनी देर के बाद आएगा और क्या कितनी देर लगेगी कि वगैरह तो मैं बैठी हुई थी मेरा मेकअप ऐसा ही था सब ऐसा ही था लेकिन मैं ललिता पवार बन के बैठी थी मैं ललिता पवार बन के बैठी थी कैरेक्टर में बिल्कुल नहीं थी और शूटिंग देख रही थी शांताराम जी का तो क्या हुआ कि एक सीन था कि मैं मैं और मेरे आदमी वो दरवाज़ा तोड़ते हैं दरवाज़ा तोड़ते तो जयसरी बाई के ऊपर गिर जाता है वहाँ तक मैं थी उसके बाद मेरा पैकअप हो गया अभी जयसरी के शॉट थे सब हाँ जयसरी के शॉट थे तो वो शॉट लेंगे तो मैं वो शॉट ले रहे थे तो मैं अपनी बैठी हुई थी और जयसरी बाई का शॉट खत्म हो गया कि दरवाज़ा उनके ऊपर गिरा था हम लोग बाहर ही थे जब हम तोड़ रहे थे दरवाज़ा तो हम बाहर ही होंगे और मेरा तो पैकअप हो गया था क्योंकि इसके आगे करने वाले नहीं थे लेकिन उनका कुछ मूड था काम करने का तो उन्होंने कहा कि ये शॉट ले लेते हैं तो मैंने कहा मैंने क्या ना भाई तैयार मैं तो एकदम डर गई मैंने कहा तो मैं तो एकदम वो बिल्कुल ही मूड नहीं था मेरा कर वो इतना वो इमोशनल था तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अन्ना मैं जब तक चीखूँ नहीं चीखूँगी मैं तो उसके बाद आप ये देना इतना मेरे लिए करना तो बोले अच्छा अच्छा क्यों क्या बात है तो बोले मैंने कहा तो फट मार्क मेरे ऊपर जैसा पकड़ा ऐसा तो मैंने एक दो तीन चार ऐसा मार मैंने कहा आ ऐसा करके ये किया तो शॉर्ट उन्होंने शुरू किया आ, 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 ये का, ए, ए, ये क्या हुआ और बाल बिल मैं नोचते हुए कपड़े नोचते हुए पीछे 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 हटने लगी तो उन्होंने कुछ मार्किंग नहीं था कुछ नहीं था मैं वहीं मैं खड़ी होंगी ऐसा उनको लगा तो मेरे साथ अवधूत का क्या मेरा घुमा 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 और मैं करके गिर जाती हूँ तो वो अवधूत ने कुछ कहा मुझे मालूम ही नहीं कि वो उधर जाने वाले हैं तुम तो फॉलो नहीं कर

पांच दस पंद्रह नहीं बल्कि सत्रह अलग अलग किरदार निभाए थे इतना ही नहीं एक माइथोलॉजिकल फिल्म में इन्होंने मंथरा का किरदार निभाया और वो भी ऐसा निभाया ऐसा निभाया कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक जब भी कभी मंथरा का जिक्र होगा तो शक्ल ललिता जी की ही नजर आएगी मंथरा में मैंने काम किया तो आँ... मुझे एक ऐसा ड्रेस लाया था और वो ही होना चाहिए था जैसा महारानी के तरह से अब मंथना की जो सहेली होगी वो तो ऐसी होगी ना कि भाई उसकी बराबरी की जेवर वगैरह इस तरह से वो भी कोई ही होगी नहीं तो उसकी दोस्त कैसे हो सकती है कुछ धोबन तो उसकी दोस्त नहीं बन सकती तो जब मुझे मेकअप करने लगाया तो वो ड्रेस मैंने पहन लिया जो मेरे लिए मेरे रूम में रखा हुआ था पहन के ना सागर साहब के पास बोले ये तो ललिता भाई ठीक नहीं है मैंने कहा फिर फिर दूसरा किया तीसरा किया उनको कोई पसंद नहीं आया उन्होंने एक ऐसा ही ब्राउन कलर का मुझे एक घाघरा जैसे धोबी लोग पहनते हैं ना और सोन चांदी के वो जेवर भी और सब ये दिया मुझे पहनने के लिए और कहा कि ये सीन करो मैंने क्या किया वो सीन तो किया मैंने कहा कि ये धोबन के जैसे मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फीलिंग ये हो आ रही थी कि मैं धोबन हूँ तो जब उन्होंने मुझे जो सीन दिया तो वो सीन मेरे में ऐसा आ गया एकदम से तो मैंने कहा कि ये ये औरत कुछ भी हो इसके अंक पर कपड़ा है या नहीं ये नहीं सोचा मैंने मैंने सिर्फ यही सोची कि लोग ऐसे चलते मैं ऐसे चलूँगी और सारी पिक्चर में मैं टेढ़ी चली हूँ जब राम वनवास से वापस आए और महल में आए तो सब माता है सब उनके सामने खड़ी थी तो मंथरा कहीं दिखी नहीं तो उन्होंने कहा माँ मंथरा कहाँ है मंथरा तो वो चौदह साल से कोठड़ी में अकेली पड़ी तो बोले कोठड़ी में तो रहा इधर दिखाया है कि मंथरा एक दीवार के तरफ मोह करके और ऐसा हाथ लगा रही है जैसे राम के पाँव को हाथ है और कहती हराम हराम तुम कब आओगे हम मैं थक गई हूँ राम कब आओगे तुम तो वो कहता है माँ मंथरा तो कहती राम हराम तुम बोले तुम बोले मेरे साथ तुमने बात की हराम तो बोलते माँ मैं यहाँ हूँ तो उठती फिर गिर जाती क्योंकि चौदह साल से वो इसी तरह पड़ी हुई है गिर जाती है और फिर उनको देखती है राम को तो कहती कि राम आ गे, आ गए गए मेरा राम करके उनके पास हुई आती है और उसको याद आता है ये कि चौदह साल से राम राम वनवास में नहीं था मैं वनवास में थी अगर मैं राम को वनवास को नहीं भेजती तो राम आज नहीं होते क्या मेरे किरदार के लाखों रंग देखकर उठती गिरती हुई उंगलियां थम गई ये तो होना ही था इतने जुदा जुदा किरदार जो निभाए थे उन्हें किसी खास इमेज में बांधना खासा मुश्किल हो गया था कभी महारानी तो कभी दासी कभी भिकारन तो कभी बिगड़ेल रईस जाती एक चिंता अनाड़ी में वह दवाइयाँ खा खा कर बीमार हो जाती है और उसको ऐसा लगता कि अब मैं जीऊँगी नहीं और ये सारी जायदाद है लड़के के नाम कर दूँ इसलिए वो वकील के पास जाती है तो मुझे कहा गया कि यहाँ से आप निकलो और यहाँ से दरवाज़े में से चले जाओ मैंने उनको कहा कि मुझे मार्किंग दीजिए कहाँ से कहाँ तक जाना है और जो मैं करूँगी तब तक कोई ये नहीं करना कट नहीं करना तो बोले अच्छा शॉर्ट करो तो शॉर्ट जैसे वकील को उसने लिख करके दे दा और वहाँ वकील के पास बोलती अच्छा अब हम जाएंगा हाँ भी जाएगा तो वो उसकी तरफ देखता है कि ये ऐसा क्यों बोलती कि हम भी जाएगा मतलब उसका अब मैं जीऊँगी नहीं अब मैं जाऊँगी तो वहाँ से वो उठती है उठने उठने के बाद धीरे धीरे चलती बीच में जो रुकती है और रुकने को मैं वो देख लेती दरवाज़ा दरवाज़ा मैं दरवाजे के ऊपर गिरूंगी तो वो दरवाज़ा देख लिया दे, देख लिया तो उनका ऐसा था शॉट कि दरवाज़ा खोल करके वो चली जाती है और दरवाज़ा यूं करते रह, आ, करते रहता एक्शन ऐसी होती है दरवाज़े की तो मैंने कहा कि मैं जैसा करूंगी करने दीजिए कट मत कीजिए तो मैं जब धीरे धीरे जाती हूँ एक जगह खड़ी रहती हूँ थोड़ा चल के दरवाजे के ऊपर गिर जाती हूँ दरवाज़े के कॉँचे टूट जाते लकड़ी है उसमें अटक जाती है वो दरवाजे के खिड़की के कांच के पास और फिर वो दिखाते हैं कि ये पलंग के ऊपर पड़ी हुई है और राज साहब आते हैं और देखते हैं तो वो पहले शॉर्ट जब ये शॉट हो चुका तो मैं गिर गई तो ऋषि जी आते हैं मेरे को उठाने के लिए तो बोलते बाप रे तुमको तो वाकई बुखार है और एकदम बुखार चढ़ गया तो वो मुझे होता है जैसा सीन मेरे संचार जाता है मेरे आंग आंग में क्या कहते कि संचारता है सीन आंग में भिन्न जाता है तो वो क्या होता है मुझे पता नहीं चलता अब ललिता पवार को इज्जत दौलत शोहरत बेतहाशा मिली तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है न जाने कितने फनकारों को मिलती रहती है और मिलती रहेगी लेकिन बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट ललिता जी के साथ जो शानदार वाक़ पेश आया वो शायद किसी के नसीब में हो दो रोल मुझे मिले एक गृहस्थी और एक दहेज गृहस्थी ऐसा एम की थी बहुत अच्छी माँ बच्चों को प्यार करने वाली बहुत ही प्यार करने वाली और एक बुरी से बुरी सास दहेज ये एक ही वक्त में दोनों काम कर रही थी उस वक़्त गृहस्थी इतनी अच्छी चली इतनी अच्छी चली कि प्रोड्यूसर ने पब्लिक वोटिंग से किसका काम अच्छा हुआ ये इसके लिए उन्होंने वोटिंग डाले तो मेरा काम पब्लिक ने बहुत पसंद किया बहुत अच्छा था उस वक्त बाला साहब खेर के हाथ से मुझे पांच तोले का स्टार, पांच तोले का स्टार बना करके मुझे दिया इतने सब के बावजूद उनके पास कुछ नहीं रहा रहे तो सिर्फ हाथ से जिंदगी के आखिरी दौर में पूना के एक छोटे से बंगले में अपने बीमार शोहर के साथ बिल्कुल तनहा रह गई थी ललिता जी पहले भी खिजा में बाग उजड़े पर यू नहीं जैसे अब के बरस सारे बूटे पत्ता पत्ता रविश रविश बर्बाद हुए। और 24 फरवरी उन्नीस का वो मनहूस दिन जो एक आखिरी हादसा लेकर आया था उनकी जिंदगी में उनकी मौत का हादसा घर की तनहाइयों के बीच न जाने किस तकलीफ से गुजरते हुए दम तोड़ा होगा कि मौत के दो दिन के बाद उनके शोहर राजकुमार गुप्ता को पता चला उनकी मौत के बारे में सारी दुनिया सदमे में आ गई कि ललिता पवार नहीं रही कुछ बाकी रहा तो हादसों भरी जिंदगी की एक दास्ता तो नाजरीन ये था आज का हमारा एपिसोड अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नायाब नगीने के साथ खुदा हाफिज